क्या भोजपुरी इंडस्ट्री को पवन और खेसारी ने मिलकर कर दिया बर्बाद? ये तमाम सवाल भोजपुरी इंडस्ट्री को लेकर के उठ रहे हैं, खूब चर्चा हो रही है। अब सवाल है कि आखिर इस बात की चर्चा कैसे शुरू हुई? तो आपको बता दें कि इस बात की चर्चा शुरू हुई भोजपुरी के सुपरस्टार रवि किशन के एक बयान के बाद से। बीजेपी सांसद और भोजपुरी के सुपरस्टार रवि किशन ने बिना नाम लिए एक ऐसा बयान दिया जिससे भूचाल आ गया। बता दे कि एक न्यूज चैनल को दिए गए इंटरव्यू में जब रवि किशन से पूछा गया कि आपने भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए इतना काम किया, बॉलीवुड में भी अब आप एक से बढ़कर एक काम कर रहे हैं, लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री को संवारने की भी जिम्मेदारी आपके कंधों पर है, ऐसे में जहां भोजपुरी इंडस्ट्री इस वक्त जा रही है, आप इसको कैसे देखते हैं? इस सवाल के जवाब में रवि किशन ने कहा कि मेरे जितने भी जूनियर सुपरस्टार हैं, वो इंडस्ट्री के बर्बादी का कारण है, क्योंकि वो आज स्क्रिप्ट नहीं पढ़ते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ BMW, घर, गाड़ी, बंगला, सोना, चांदी और रेंज रोवर में रह जाते हैं। इन्हें स्क्रिप्ट से कोई लेना देना नहीं है। इतना बोलते हुए रवि किशन भड़क गए और कहा कि ये लोग पूरी तरीके से भटक गए हैं। बता दें कि जाने माने एक्टर रवि किशन सालों से इंडस्ट्री में हैं। वो हिंदी, बॉलीवुड, भोजपुरी के अलावा तमिल में भी कई इंडस्ट्री में एक्टिंग कर चुके हैं। बता दें कि एक्टर होने के साथ साथ अब रवि किशन एक राजनेता भी हैं। उन्होंने भोजपुरी इंडस्ट्री को ऊंचे मुकाम पर पहुंचाया है, लेकिन आज इंडस्ट्री और इसके स्टार्स की हालत देखकर उन्होंने दुख जताया। अपने इंटरव्यू में रवि किशन ने इशारों इशारों में बिना नाम लिए भोजपुरी इंडस्ट्री के अपने जूनियर सुपरस्टार एक्टर्स पर तंज कसा है। अब रवि किशन के इस बयान के बाद इसे पवन और खेसारी से जोड़ करके देखा जा रहा है, क्योंकि फिलहाल भोजपुरी इंडस्ट्री की बात करें तो दो जूनियर सुपरस्टार के तौर पर पवन सिंह और खेसारी लाल यादव का नाम सामने आता है। बता दें कि रवि किशन ने ये कहा कि जो मेरे जूनियर सुपरस्टार आए हैं वो लोग नहीं समझते, मैंने भोजपुरी इंडस्ट्री को एक नेशनल अवार्ड भी ला कर दिया है, लेकिन तब भी इनका दिमाग नहीं खुलता। ये लोग गाड़ी, बंगला, BMW, रेंज रोवर में रह गए, स्क्रिप्ट नहीं ढूंढी, स्क्रिप्ट राइटर पर इन्वेस्ट नहीं किया, डायरेक्टर, कहानी, किरदारों पर इन्वेस्ट नहीं हुआ है। पता नहीं ये लोग सब भटक गए, बहुत ही ज्यादा भटक गए, अब तो मुश्किल है। थिएटर में ऑडियंस नहीं जा रही, सब अभी डिजिटल पर आ गए हैं। मैंने बहुत बड़ा सपना देखा था, बहुत बड़ी इंडस्ट्री खड़ी की थी, दुखद है कि इन लोगों ने एकदम खत्म कर दिया। ये सब मेरे छोटे भाई जैसे हैं, लेकिन उन्हें यही कह सकता हूँ कि अब बहुत मुश्किल है वापस इंडस्ट्री को उस मुकाम पर खड़ा करना जहाँ हमने इसे मेहनत करके पहुँचाया था। ये लोग मेरे पैर छूते हैं, मुझे सम्मान देते हैं, बड़ा भाई बोलते हैं, तो इसे चुकाएं, वापस से उस इंडस्ट्री को खड़ा करें जो मैंने निरहुआ मनोज तिवारी ने मिलकर बनाई थी। अब रवि किशन के इस बयान के बाद से इस बात की चर्चा शुरू हो गई है कि क्या रवि किशन ने बिना नाम लिए अपने जूनियर सुपरस्टार के तौर पर पवन खेसारी पर निशाना साधा है। देखना होगा कि रवि किशन के इस बयान के बाद से दोनों हिस्सास की तरफ से क्या रिएक्शन सामने आते हैं। आपकी क्या राय है इस खबर पर, कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।